नमस्कार, उषा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज इडली। इसको हम बिना सांभर के और चटनी के खा सकते हैं, क्योंकि उसको बनाने में टाइम लगता है। ये हम इडली जब हमारा खाने का मन हो फटाफट बना सकते हैं। और इधर पहले हमने कुकर में 1.5 गिलास पानी प्री हीट होने के लिए रख दिया है, तब तक हम तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने 1 कटोरी ये सूजी ली है। सूजी कैसी भी मोटी महीन हो, और उसमें ये 4 से 5 चम्मच हमने दही लिया है। ये इडलियाँ जो हैं बिल्कुल पौष्टिक सब्जियों से भरपूर, हम फटाफट जब भी हमारा खाने का मन हो तो हम इनको तुरंत ही खा सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे मसालों में, हम कोई बहुत कम मसाले डालेंगे क्योंकि हम इडली बना रहे हैं। इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डालना है, और ये मोटा दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च, और ये लाल मिर्च। लाल मिर्च हम स्वाद के अनुसार डालें। और इसको अब हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस हमने कर लिया है, और 1 ये हरी मिर्च, इसको भी इसी में डाल देंगे। और ये रेड वाली शिमला मिर्च, 1 हरी रेड कोई भी हो, हमारे पास रेड थी तो हम रेड डाल रहे हैं, ये शिमला मिर्च है। और ये 2 से 3 चम्मच गाजर डालेंगे। और ये 1 छोटा प्याज हम डालेंगे, छोटा छोटा कट किया हुआ। इसमें सब्जियां हम और भी मनपसंद मिला सकते हैं। और 1 ये आलू हम छोटा छोटा कट करके, बिल्कुल छोटा छोटा कट करके ऐसे 1 आलू डालेंगे। इसमें हम छोटा छोटा कट करके टमाटर भी मिला सकते हैं। सब्जियां हम अपने मनपसंद घटा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें हम पानी डाल के स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। पानी हम ज़रूरत के हिसाब से यूज करेंगे। ये हम कुकर में या कढ़ाई में, फ्राई पैन में, किसी में भी बना सकते हैं कटोरियों में रख के। वैसे हमारे पास माइक्रोवेव है, लेकिन हम इजी तरीका बता रहे हैं जो गैस पे और किसी भी समय कोई भी बना सकता है, क्योंकि माइक्रोवेव सबके पास नहीं होता है। इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे सूजी हमारी फूल जाए। इसमें हम हरी धनिया भी डाल सकते हैं, जो भी मतलब सब्जियां मनपसंद। अब इसको हम ढक 10 मिनट के लिए ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम खोल के अब चेक कर लेंगे। इसमें 2-3 चम्मच पानी हम और डालेंगे। बैटर हमारा बनके रेडी है। इतना बैटर बनाने में हमें 1 गिलास पानी थोड़ा इसमें बच गया है। अब इसमें हम इनो डालेंगे, अपना फ्लेवर वाला इनो डालेंगे।
थोड़ा सा हमने बचा लिया है, इनो हम एक चम्मच इनो डाला, थोड़ा सा और पानी डालेंगे और रेसिपी के हिसाब से इनो डालने के बाद हम इसको ऐसे एक साइड में मिलाएंगे और फटाफट हम इसको कटोरियों में डाल लेंगे। ये इडलियाँ हेल्दी भी हैं और फटाफट बन जाती हैं, हमारा जब खाने का मन करे तो हम तुरंत इनको बना सकते हैं। पहले से हमने ये तीन कटोरियाँ ऑयल से ग्रीस करके रख लिया है, इन्हीं में हम बैटर को भर देंगे। कटोरियों को हम खाली रखेंगे, तीनों कटोरियों में हमने बैटर भर दिया है और आधी आधी रखेंगे क्योंकि ये फूलेंगी पकने के बाद में। ये पानी मेरा बॉयल हो चुका है, इसी में हम कटोरियाँ आराम से रख देंगे। और इसको ढक देंगे, याद रहे ढकेंगे हम ऐसे ढक्कन से इससे भाप बाहर ना निकले, और इनको 5 से 6 मिनट बाद हम खोल के चेक करेंगे। इनको हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, 5-6 मिनट बाद खोल के हम चेक कर लेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, अब हम इनको खोल के चेक कर लेते हैं। इसको हम नाइफ की मदद से चेक करेंगे, अगर ये हमारी चाकू क्लीन निकलती है तो समझो हमारी इडलियाँ पक गई हैं। अभी इनको 1 से 2 मिनट और रखना पड़ेगा। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के इनको चेक कर लेंगे। अब ये हमारी इडली पक गई हैं। इनको हम सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे। इनको हम सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे क्योंकि ये गर्म है। और अब इनको हम ठंडा होने देंगे 5 मिनट। अब इनके हम चाकू से किनारे छुटा लेंगे और ऐसे चारों तरफ से किनारे छुटा के डीमोल्ड कर लेंगे, सॉरी अनमोल्ड कर लेंगे। ये गर्मा गर्म हमारी वेज इडली बनके तैयार है। इनको हम हरी चटनी के साथ और सॉस के साथ या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तुरंत बनाइए और गर्म गर्म इंजॉय करिए। अगर हमारा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।